आपकी मंजिल आपकी हौसला आजमाएगी, आपके सपनों को आपकी नजरें हटाएंगी। कभी पीछे मुड़कर ना देखना है नवाज, रास्ते की ठोकरी तुम्हें चलना सिखाएगी। तो मेरी मुराद है नवाज साहब खांडे SDPO गुंडो, जो आज यहाँ से ट्रांसफ़र होकर श्रीनगर जा रहे हैं, और आप ये देख रहे हैं इतना बड़ा पब्लिक का हजूम, सिविल सोसाइटी ने यहाँ उनके लिए फेयरवेल ऑर्गेनाइज किया है, और ये पहली बार हम देख रहे हैं कि किसी ऑफिसर के लिए, खास करके पुलिस ऑफिसर के लिए, इतना प्यार लोगों का मड़ा हो। आपको बता दूं कि इसी ही वर्ष नवाज़ खांडे को दो DG मेडल से सम्मानित किया गया, और यहाँ पर कुछ पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया गया, क्योंकि जिस प्रकार से लॉकडाउन के दौरान उन्होंने काम किया, यहाँ लोगों की सेवा की, उस सेवा के कारण ही आज जाते जाते भी उन्हें इतना प्यार यहाँ से लोगों का मिल रहा है। तो इसी प्रकार से एक पुलिस का सराहना करना, क्योंकि पुलिस ने जिस प्रकार से लॉकडाउन के दौरान काम किया है वो सराहनीय है, उसको हम कभी भूल नहीं सकते। इस वजह से आज ये जो कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है वही हम आपको बता रहे हैं, और इसकी और भी झलकियाँ आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपको बता दूँ कि यहाँ पे SP साहब डोडा से पहुँचे हुए हैं, SDM गुंडो यहाँ पर मौजूद हैं, मेजर यहाँ पे आर्मी के मौजूद हैं, यहाँ पर SSB के कमांडेंट मौजूद हैं, और बाकी पुलिस के जवान यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, यहाँ स्वास्थ्य विभाग के लोग मौजूद हैं, यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मौजूद हैं। आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट का एक लोग यहाँ पर सब आए हुए हैं यहाँ पर अलविदा करने नवाज़ खांडे साहब को। तो यहाँ के लोगों को एक सबक, यहाँ के यूथ के लिए सबक, इस प्रकार से लॉकडाउन के दौरान उन्होंने नशा मुक्ति को लेकर के काम किया, यूथ को लेकर के काम किया, वो एक सराहनीय था। तो वही चीज़ें हम आज आपको बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं। सोसाइटी होती है, वैसा पुलिस को बनना पड़ता है उसको चलाने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने DSP साहब को, अपने साई कम्युनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा इनको मुबारकबाद देता हूं, और हमने अपने भलेसा से काबिलीन जो ऑफिसर है उनको खोया है यहाँ से। तो आज तक मुझे नहीं लगता पूरे भलेसा में भी ऐसा कोई फेयरवेल किसी ऑफिसर को दिया गया है, और ऐसा क्यों भी ना हो, जैसे COVID-19 का जब महामारी थी, या फिर अपना 370 35A, उसमें इन्होंने जो रोल प्ले किया है वो काबिले तारीफ है। इस ऑफिसर को पहली बार हम देख रहे हैं कि ऐसी फेयरवेल पार्टी दी जा रही है यहाँ की आम सोसाइटी द्वारा, क्या कहेंगे? देखिए, हम कई बार पब्लिक ग्रीवेंसेस मीटिंग में पुलिस के साथ काफ़ी मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने 5 अगस्त 370 को टूटने के बाद राम मंदिर का डिसीजन आया, COVID-19 आया, जिस तरीके से लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया और जिस तरीके से इन्होंने लोगों को प्यार दिया, मैं कहूँगा कि अपने में एक मिसाल है, एक अनोखी मिसाल है, कहूँगा पुलिस के लिए कि बेस्ट पुलिसिंग का जो एक नमूना इन्होंने पेश किया गुंडों में, ये हमारे थ्रू आउट स्टेट में पुलिस को ये सबक सीखना चाहिए कि खांडे जैसा पुलिस ऑफिसर जिसने इतना लोगों का दिल जीता, इतना प्यार और मोहब्बत लोगों से लिया, और अपनी फेयरवेल पार्टी पे इतना बड़ा सेमिनार हुआ, लोगों ने इतना प्यार दिया, ये इनकी एक अच्छी कारकर्दगी थी, ये इनका एक अच्छा स्वभाव था, इनकी एक अच्छी, मैं कहूँगा, ऑनेस्टी थी और एक डेडिकेशन थी जिसके अंदर लोगों ने इनको बहुत बढ़ चढ़ के प्यार दिया है।